कैटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं जर्नल बाउचर की एंट्री करना। जर्नल बाउचर की एंट्री हम कैसे करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की क्या होता है, F7 होता है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, इसके पहले भी मैंने आपको इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करवाया है, लेकिन नॉर्मली हम लोगों ने कॉपी और कलम के माध्यम से इसको सॉल्व किया था। इसको हम अगर देखा जाए तो बाउचर में इसकी एंट्री कैसे करेंगे, वही हम आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको गेट पे आप टैली पे आना है और यहाँ पे आप बाउचर पे आ जाइए और यहाँ पे आपको F7 बटन प्रेस करना है, जनरल बाउचर आपका ओपन हो जाएगा। और जनरल बाउचर में भी मैंने आपको बताया था कि जनरल बाउचर में अगर हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट साइड वाला अमाउंट हमेशा ऊपर रहता है, मैंने बताया था ना। तो इसमें जैसे कि क्वेश्चन के आधार पे हम ट्रांजेक्शन को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि पहला नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, देखा जाए कोई कॉपी। देखिए, पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया है, पहले क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एज ऑन 2 अप्रैल 2023 परचेज लैपटॉप ऑन कैश आरएस 30,000, यानी कि 30,000 रुपए में आपने लैपटॉप खरीदा, समझ में आ रहा है ना, वो भी कैश से आपने परचेजिंग किया। तो इसमें मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि अगर इस टाइप के जो भी जनरल के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इसमें से मात्र आपको निकालना होता है डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2023 को जो आपने परचेज किया है लैपटॉप, तो लैपटॉप आपके बिजनेस के लिए क्या हुआ, एसेट्स हुआ, फिक्स एसेट्स हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे व्यापार में आ रहा है और लैपटॉप एक प्रकार का एसेट्स है और हमारे व्यापार में आएगा, तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लैपटॉप के नाम से तो कोई लेजर पहले से बना नहीं होगा, यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबा करके और यहाँ पे आप भर लीजिएगा लैपटॉप। आप एंटर करेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा, फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे आपको फिक्स एसेट्स को सिलेक्शन करना, चूंकि आपके व्यापार में आ रहा है तो यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें। आप पूछ रहा है बताइए कै रुपए की परचेजिंग हो रही है, तो यहाँ पे अमाउंट में हमको 30,000 मेंशन कर देना। अब किससे खरीदा जा रहा है, तो कैश से खरीदा जा रहा है। तो जब हम कैश से परचेज करेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा, जाएगा, और ये भी एक प्रकार का रियल अकाउंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे भर देंगे कैश। बस यही ट्रांजेक्शन आपका कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अगला क्या दिया है, तो अगला दिया है आपका, देखिए अगला दिया है, एज ऑन 2 अप्रैल 2023 परचेज गुड्स ऑन कैश आर एस 25,000, यानी कि कुछ गुड्स खरीदा गया कितने से, 25,000 से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ट्रांजेक्शन में गुड्स का नाम नहीं दिया रहता है तो उस समय हम परचेज का अकाउंट बनाते हैं। तो अब परचेज गुड्स है और चूंकि परचेज का ही अकाउंट बनेगा, तो परचेज किस प्रकार का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट के रूल में आपको बताया गया है कि परचेज को हमेशा डेबिट किया जाता है, इसलिए नॉमिनल रूल के हिसाब से परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। और किससे खरीदा जा रहा है, कैश से खरीदा जा रहा है। तो जब हम किसी गुड्स को परचेज करेंगे तो हमारे व्यापार में कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा, और रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के हिसाब से हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे बस आपको भर देना है परचेज अकाउंट, अल्ट से बना लीजिएगा परचेज गुड्स, एंटर करेंगे तो एंटर में परचेज अकाउंट हो जाएगा, बस कंट्रोल प्लस ए। अब यहाँ पे आइटम का नाम तो पता है नहीं, यहाँ से हटा दीजिएगा इसको। अब कितने रुपए का, 25,000 इसमें अमाउंट हम फिलअप कर देंगे, फिर एंटर करेंगे। अब किससे परचेजिंग हो रही है, कैश से। अगर यहाँ पे बैंक रहता तो हम बैंक को क्रेडिट कर देते, लेकिन जिक्र किसका किया जा रहा है, कैश का जिक्र किया जा रहा है, इसलिए हम कैश को ही क्रेडिट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। और कोई ट्रांजेक्शन जो इजी हो तो आप कर लीजिएगा, जो हार्ड लग रहा है उसको पूछिए, मैं बता दूंगा आपको। 12 नंबर क्या है उसमें, 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, हाँ देखिए, रोहित एंड मोहित कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई करेंट अकाउंट 2,000 एंड डिपॉजिट एसबीआई ओडी अकाउंट बैंक आरएस 5,000। देखिए, इसमें जब भी इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो इसमें मात्र दो ही अकाउंट, तीन अकाउंट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बैंक का नाम भी दिया। तो एक आपका एसबीआई ओडी अकाउंट हो जाएगा, एक आपका एसबीआई करेंट अकाउंट हो जाएगा। तो अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो बैंक पाने वाला हुआ ना, तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे, और क्या पा रहा है, तो कैश पा रहा है, तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए दो अकाउंट आपका डेबिट का और एक सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट का हो जाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले डेबिट करेंगे किसको, नाम से कोई लेना देना नहीं है, इसमें आपको बस यही छांटना है कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। तो जब हम कैश जमा करेंगे तो बैंक पाने वाला हुआ, तो पहला हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे किस बैंक को, करंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक में कितना डिपॉजिट हो रहा है,
2000 इसमें डिपॉजिट दिखा देंगे। देखिए फिर एंटर करेंगे, अब यहाँ पे पुनः एक और डिपॉजिट हो रहा है किस बैंक में, एसबीआई ओडी में जमा हो रहा है। कितना ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक, इसमें 5000 जमा हो रहा है। अब देखिए, अब हम देखें तो डेबिट साइड का अमाउंट आ गया हमारा कितना, 7000 रुपया। तो आखिर क्रेडिट करेंगे तभी तो यहाँ पे कैश आएगा, और कैश को ही हम यहाँ से क्रेडिट दिखा देंगे 7000 से, बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दें, हो जाएगा। इसके बाद से क्या दिया है, और कोई क्वेश्चन जो आपको ना समझ में आ रहा हो, चौथा नंबर। हाँ देखिए, इंटरेस्ट रिसीव का दिया हुआ, ब्याज का पैसा हमको रिसीव हुआ, तो अगर इंटरेस्ट रिसीव की बात आती है तो रिसीव अगर हो रहा है इंटरेस्ट, तो इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम। अब इनकम को रखा गया किस अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, और कभी भी नॉमिनल अकाउंट में ही आपको बताया गया कि जो भी हमारे बिजनेस में इनकम होता है या प्रॉफिट होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। समझ में आ रहा है ना, जैसे कि मान के चलिए कि आपने बैंक में खाता खुलवा लिया और आपके बैंक में इंटरेस्ट आपको मिल गया 25000 30000 रुपए का, तो आपको इनकम ही तो हो रहा है ना, तो इंटरेस्ट रिसीव अगर इनकम हो रहा है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट, बोलिए क्रेडिट हो जाएगा। और क्या हो रहा है इनकम, तो यहाँ पे कैश का दिया हुआ है, तो कैश को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा अल्ट सी से, आप यहीं पे बना लीजिएगा, क्योंकि पहले डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट में किसको रखना है, कैश को। और कितना बैलेंस भरना है, कितना रिसीव हो रहा है, 5000 रिसीव हो रहा है। आप एंटर करेंगे, 10000 वाला है, चलिए एंटर करेंगे। अब इसके बाद से अल्ट के साथ सी बटन दबाइएगा, और यहाँ पे आपको लेजर बनाना है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीव। अब किसके अंतर्गत आएगा, रिसीव की बात आ रही है तो इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम को सिलेक्शन करेंगे, बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कराएंगे। देखिए 10000 से मैंने इंटरेस्ट रिसीव दिखा दिया, अभी ओपनिंग बैलेंस करंट बैलेंस में आपका 10000 दिख रहा था, बस यहीं पे कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। और कोई ट्रांजेक्शन, पेड वेजेस कर भी दिया हुआ, पेड वेजेस, अगर पेड वेजेस भी दिया है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दिया है, ऐसा ऑप्शन आपका दिया हुआ, तो जब भी पेड की बात आती है तो बिजनेस का एक प्रकार का एक्सपेंस होता है जो डेबिट करते हैं, हो जाएगा ट्रांजेक्शन पूरा, इतना करिएगा आप लोग, ठीक है। 15 ट्रांजेक्शन है, कोशिश करिएगा पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एक नया कंपनी भी बना, उसी कंपनी में एंट्री करके देखिएगा।